हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की चार दीवारी के पास हरे पेड़ों को काटकर बेचने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल की चार दीवारी के अंदर लगभग 40 से अधिक पेड़ थे। इस जगह पर नगर पालिका अपना दावा कर रही थी, ऐसे में शिक्षण समिति और विद्यालय प्रबंधन की ओर से दीवार तोड़कर स्कूल सीमा में नई दीवार बनाई जा रही है। ऐसे में जो हरे पेड़ पहले स्कूल की चार दीवारी के अंदर थे, वो पेड़ नई दीवार बनने की बाहर की तरफ आ गए हैं, जिन्हें नगर पालिका ने जेसीबी से उखाड़ कर बिना किसी अनुमति एवं नीलामी के बेच दिया। इस पर आमजन का कहना है कि शिक्षण समिति, स्कूल प्रशासन और नगर पालिका की मिलीभगत से ही हरे पेड़ों को काट कर बेचा गया है। जब इस बारे में तहसीलदार रामपाल मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास लिखित शिकायत नहीं आती है तब तक वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। आज जो शिकायत हमें मिली है उसके लिए संबंधित अधिकारी तक कार्रवाई कर दी जाएगी और उसके जांच करके और जो नियमानुसार कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट करके एसडीएम ऑफिस में कार्रवाई करेंगे। आपकी जेसीबी द्वारा हरे पेड़ों को उखाड़ा गया है बेयर हाउस रोड पे? देखो जी, हमें नहीं है बेयर हाउस रोड पे, हमारे से तो जो आए थे बड़े स्कूल वाले, उन्होंने कहा भी हमें जेसीबी किराए पे चाहिए, हमने जेसीबी किराए पे दे दी, उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं है वो उनको मालूम। और पेड़ों को उखाड़ने के बाद नगर पालिका द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अगर बिना लिखित में नहीं आती है, अगर कोई पेड़ों को उखाड़ता है तो आप कोई कार्रवाई नहीं आएगा तो वो करना जाएगा, होगा वो अधिकारियों से जिस हिसाब से गाइडलाइन लेके हम उस हिसाब से जा रहा है कि नगर पालिका ने उनको अपनी जेसीबी से उखाड़ कर उनको बेचा जा रहा है। अगर सर आपके कोई लिखित में शिकायत नहीं आती है तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे सर? नहीं, किसी चीज का पता ही नहीं हो तो कैसे करेंगे उसकी जानकारी? नहीं, हम बता रहे हैं ना सर, काटे गए पेड़, तो आप इस संबंध में जांच नहीं करवाएंगे सर? लिखित में जो आप करवाएंगे सर, बिना लिखित के नहीं कार्रवाई करेंगे।